हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, काफी बड़ी न्यूज आ रही है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। यूट्यूब ने अपना पार्टनर प्रोग्राम में फिर नया चेंज कर दिया है। पहले जब मैंने चैनल बनाया था 6 फरवरी 2017 में, तो मेरे चैनल का 1 से 2 दिन में मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था, लेकिन अप्रैल में यूट्यूब ने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में चेंज किया। और ये चेंज अप्रैल में किया गया था 2017 में। और उसने क्या किया कि अप्रैल 2017 में उसने एक शर्त लगा दी कि 10,000 व्यूज होने के बाद ही आपके मोनेटाइजेशन को इनेबल किया जाएगा। तो उस वक्त पर मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया था, और जब मेरे 10,000 व्यूज कंप्लीट हो गए उसके बाद दोबारा मेरे मोनेटाइजेशन को इनेबल किया गया था। और अब यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में फिर से नया बदलाव कर दिया है। अब 20 फरवरी 2018 को एक नया नियम लागू कर दिया जाएगा क्रिएटर्स के लिए। और वो नियम ये है कि जब तक आपके चैनल पर 4,000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा, तब तक आपके चैनल को रिव्यू नहीं किया जाएगा और आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक शर्त और रख दी गई है। वो शर्त ये है कि आपके 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर आपके 1,000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। यानी कि आप 1,000 सब्सक्राइबर 1 साल के अंदर गेन कर लें तभी आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा, तभी आपके मोनेटाइजेशन को इनेबल किया जाएगा, वरना आपके मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन काफी टफ है, जिसमें जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है वो काफी टफ कंडीशन है, क्योंकि 4,000 घंटे काफी होता है, लगभग 2.5 लाख मिनट के आसपास होता है, जो काफी लंबा टाइम होता है। और ये बदलाव YouTube के द्वारा क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बैड क्रिएटर्स हैं जो गलत तरीके से इधर उधर अपने वीडियोस को शेयर करके अपने व्यूज को बढ़ा लिया करते थे और 10,000 व्यूज कंप्लीट कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको अपने जेन्युइन वीडियोस बनाना होंगे और ऐसे वीडियोस बनाना होंगे जिसपे आपके जो व्यूअर्स हैं वो रुकें और उस वीडियो को देखें, जिससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो सके और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी इनेबल हो सके। और ये नियम पुराने यूट्यूबर्स के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई पुराना यूट्यूबर्स है और उसके 1 साल में 1,000 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं और 1 साल के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम नहीं आता है, तो उस चैनल के मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा, अब वो चैनल इनकम नहीं कर पाएगा। तो ये काफी अजीब सी न्यूज है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब अपने लगातार चेंजेस करता जा रहा है अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या यूट्यूब का ये कदम कैसा लगा आपको, क्या यूट्यूब को ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके आसानी से इस पेज तक पहुंच जाएंगे और आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आप हमसे और अच्छे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।